गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। गाड़ी जब से ली है तब से तुंगा रेश्वर का जो ऑफ रोड किया था, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें एक्चुअली चेन बहुत गंदी हो गई थी गाड़ी की। दैट इज़ द रीज़न मुझे चेन साफ करनी पड़ेगी, बिकॉज एक्चुअली ये जो फैक्ट्री का ल्यूब होता है ना, नई गाड़ी आप जब लेते हो तो उसका ल्यूब फर्स्ट सर्विस तक चलता है, बिकॉज दैट इज़ अ इंडस्ट्रियल ल्यूब, वो वाइट कलर का जो लेयर होता है उस पर। बट प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो तुंगारेश्वर का ऑफ रोड किया उसमें जो रेड, वहाँ पे बहुत सारा रेड डस्ट था, आपने देखा होगा, सो वो पूरा चेन पे चिपक गया था। गाड़ी की साफ़ की थी, अब थोड़ा बहुत था बट अभी भी है चेन की हालत। अभी ये साइड से चेन ठीक है एक्चुअली, बिकॉज वॉश की तो यहाँ पे यू नो प्रेशर वॉश हुआ था, बट अंदर से इफ़ यू कैन सी पूरा रेड डस्ट है उस पर, जो ऑफ रोड का डस्ट था। तो रेस्ट गाड़ी काफ़ी हद तक साफ़ है, बस वो चेन क्लीन करना है, थोड़ा पानी मार के यू नो आज वैक्स करेंगे गाड़ी को फॉर द फर्स्ट टाइम। वैक्स मैंने अब तक किया नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। थोड़ा बहुत यू नो पैम्पर करेंगे, अब प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा, राइट। चलो, सो ये थैली में पूरा बाइक केयर का सामान है, केरोसिन है, ल्यूब है, शैम्पू है, वैक्स है, ब्रश है, क्लीनिंग क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ और भी काफ़ी कुछ है। तो लेट्स यूज़ इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो भी प्रोडक्ट्स हैं इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आप इंटरेस्टेड हो टू ऑल दिस प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करता हूँ, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर बाइंग लिंक, आप जाके खरीद सकते हो। लेट्स स्टार्ट। शैम्पू, केरोसिन, ल्यूब, ये जो साफ़ करने का ग्लव होता है, वैक्स और इसमें ब्रश है। तो सबसे पहले यू नो मेन स्टैंड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और गाड़ी को मैं फ्रीली पीछे का टायर घुमा सकता हूँ। सो वी विल कोल्ड स्टार्ट द इंजन, एक हफ्ते बाद चालू होने वाली है। ओह या, अभी जब भी आप चेन ल्यूब करें या क्लीन करें, मेक श्योर आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो और पीछे का गियर डाल के पीछे का व्हील घुमा रहे हो, सो कभी भी साफ करते टाइम वैसा मत करो। मैं अभी सिर्फ स्प्रे मार रहा हूँ केरोसिन का, इसलिए मैं वैसा कर रहा हूँ। साफ करते टाइम मैं हाथ से ही साफ करूँगा, बिकॉज चेन में अगर वो क्लॉथ खींच गया ना तो बॉस आपका उंगठी पूरा, उंगठी क्या, आपका उंगली पूरा जाएगा। सो ट्रस्ट मी ऑन दैट, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के साथ ये हुआ है, सो संभाल के चलिए शुरू करते हैं। तो जी, चेन बहुत जल्दी साफ हो गई, बिकॉज ज़्यादा गंदी थी नहीं और नई नई चेन है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, और चेन देखिए एकदम चकाचक। सो ये है केरोसिन का कमाल। आई ऑलवेज रिकमेंड केरोसिन, जो अपना नॉर्मल ल्यूब मिलता है वो एक्सपेंसिव भी बहुत होता है, केरोसिन काफ़ी चीप है। अभी केरोसिन मारा तो देखिए डाग कैसे चले गए डायरेक्ट ऑयल के। ये मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा था कि आप भी थोड़ा बहुत ऐसा करके आपकी बाइक का ख्याल रख सकते हो। आई एम श्योर आप रखते होंगे, बट स्टिल यू नो बाइकर्स थिंग, इट्स अ बाइकर्स थिंग। अभी थोड़ा पानी मारेंगे हल्का हल्का, उसको क्लीन करेंगे, वैक्स करेंगे, फिर बाहर जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं, आई विल लेट यू नो। तो गाड़ी चकाचक हो चुकी है, वैक्स भी हो चुका है। अभी आई बॉट फ्यू प्रोडक्ट्स फॉर माई बाइक, नई नई बाइक है, थोड़ा मेंटेन रखना पड़ता है। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, अगर आपके पास कोई बाइक हो, कोई भी बाइक हो, डजेंट मैटर, अगर आप बहुत दिल से चाहते हो कि आप उसके ख्याल रखो, तो ये प्रोडक्ट ज़रूर आप मंगाइए। दिस इज़ अ मेटल पॉलिश, ऑटो सोल मेटल पॉलिश, ये जो एग्जॉस्ट का पाइप्स होता है जो थोड़ा डल हो जाता है या रस्ट हो जाता है, वॉट एवर, तो इस पर आप हमेशा इसको लगाइए और उसको थोड़ी देर बाद क्लीन कर दीजिए, एंड देन इट विल शाइन लाइक अ न्यू बाइक। और उसके बाद सो नेक्स्ट इज़ दिस फॉर्मूला 1 हाई परफॉर्मेंस प्रोटेक्टेंट, जो अपने नॉर्मल प्लास्टिक पार्ट्स के लिए होता है, गाड़ी का डैशबोर्ड हो या बाइक का जो नॉर्मल प्लास्टिक पार्ट, नॉट पेंट, पेंट पार्ट नहीं, पेंट पार्ट के लिए वैक्स होता है, दिस इज़ फॉर द प्लास्टिक पार्ट। तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी चीप, ये कुछ 250-300 रुपये का है, ये भी कुछ 250 रुपये का है। सो ये चीज़ें सब वन टाइम होती है गाइस, आप एक बार ले लो और उसके बाद आपको एक दो साल तक कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट इज़ दिस बोल्ट फास्ट चार्जिंग, जो कार वाला सिगरेट चार्जर होता है वो वाला है, क्योंकि मेरे बाइक को वो पोर्ट है।
उसको क्या बोलते हैं, सिगरेट लाइटर पोर्ट जो भी है, तो वो है। तो मैं इसको लगाऊंगा, 2 USB पोर्ट्स, आराम से मैं 2 डिवाइस आराम से चार्ज कर सकता हूँ। एंड फाइनली ये है टायर का क्लीनिंग का ब्रश, इसको मैं अभी खोला नहीं है बिकॉज इट इज़ न्यू, जब यूज़ करूँगा तब उसको खोलूँगा मैं। बाइक के प्रोफाइल और कार के प्रोफाइल, जो टायर के प्रोफाइल होते हैं उसके हिसाब से बना हुआ है, सो वेरी रिजिड, एक बार ले लो 4-5 साल चलाओ। तो सबसे पहले अपन ये मेटल पॉलिश यूज़ करेंगे एग्जॉस्ट हेडर्स को। अभी इसका कलर आप देख लो कैसा है, अब इसका शाइन इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कैसा है। आई एम यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम बट काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, सो लेट्स सी कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग दांत साफ़ करने के लिए जो टूथपेस्ट लेते हैं बस उतनी अमाउंट में पूरा इसको रब हो जाता है, हाथ को पूरा उसका मेटल का पार्टिकल्स लग गया, बट दैट्स फाइन। अभी हम लोग करेंगे ये यूज़, बाय द वे इसको थोड़ा सूखने देंगे उसके बाद हम लोग इसको क्लीन करेंगे, तब तक के लिए वी विल यूज़ दिस। ऐसे सब प्लास्टिक पार्ट्स पर ये यूज़ होता है, सो ओके। इनफैक्ट पैनियर भी मैं इससे साफ़ कर सकता हूँ, और ये नीचे का लुक एट दिस, जो मस्त साफ़ हुआ है एकदम, जैसे नया गाड़ी आता है तो कैसा ऐसा लगता है कि गाड़ी पे कुछ ऐसा ऑयली लेयर लगा हुआ है वैसा है, बट नॉट एट ऑल स्टिकी, काफ़ी अच्छी तरह से साफ हुआ है। यस सेम हियर, ये साइड में। नाउ लुक एट दिस, क्या क्लीन हो गया बॉस, ये एंगल से देखो सुपर्ब। तो ये जा चुका है, लेट्स स्टार्ट इट। यस लाइट शुरू हो गया। अब इसका चार्जिंग मुझे देखना पड़ेगा, एक्चुअली निकलता तो है नहीं इतने इजीली, तो राइड में तो निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, बट दैट्स ओके, दैट चलता है। 2 USB पोर्ट्स है, सो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड लुक एट द डैशबोर्ड यार, ऑसम। A few moments later. So, हम लोग हैं ओपन लेक में और यहाँ पे सब्सक्राइबर ने स्पॉट कर लिया। नाम चेतन। So, he rides RS 200। मुझे भी एक टाइम पे ये बाइक बहुत पसंद थी, मैं ये लेने वाला था बट मैंने ड्यूक ले लिया। मैं सेपरेट था। अभी तो अपनी ये है पीछे। बाय द वे कैसी लग रही है बाइक? एकदम अच्छी लग रही है। सो वर्सेस से इसने मुझे आइडेंटिफाई किया, राइट? चलो, फर्स्ट मोटो व्लॉगर विथ X300, इंडियाज फर्स्ट। तो नहीं बोलते 3-4 सब्सक्राइबर मिल गए। इंटरेस्टिंगली पीपल स्पॉट कर रहे हैं, है ना? गाड़ी को लेके, बाइक, गाड़ी को देखे, हेलमेट को देखे स्पॉट कर रहे हैं लोग। 2 days later. सो बाइक का सर्विस हो चुका है, एज यू कैन सी दे हैव चेंज द इंजन ऑयल, एयर फिल्टर क्लीन किया है, और ऑयल फिल्टर यहाँ पे जो है वो चेंज किया है फर्स्ट सर्विस, देन फिलामेंट चेंज किया है, पूरा गाड़ी का ECU चेक किया है। अब इसको भगा सकते हैं अपन फुल ऑन 1055 किलोमीटर्स। या सो बाइक यहाँ से निकाल रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। दस होल सर्विस, फर्स्ट सर्विस कॉस्टेड में अराउंड कुछ 4,400 रुपये अराउंड, सो विच इज़ ओके। आई मीन ड्यूक पे मैं 3,000 के आसपास भरता था, सो यहाँ पे थोड़ा 1,500 ज़्यादा है, बन देन कम ऑन यार, इट इज़ अ बिग बाइक, इट इज़ अ ब्रांड, सो ठीक है। और डॉक्टर साहब, हमारे गाड़ी के डॉक्टर साहब, अभी आप डॉक्टर साहब नाम से फेमस होने वाले हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पब्लिक तो देखेगा ना आपको, आप आके पूछेगा। चलो आपका नाम बता दो। सुनील पाल। सुनील जी, या चलो बढ़िया, थैंक यू। तो यस, डू फॉलो मे इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, सो बीच बीच में जो लोग भी मुझे देख रहे थे ऑन इंस्टाग्राम उन लोग आए ओपन लेक में और मुझसे मिले, सो डू फॉलो मी और देयर, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आने वाले हैं। और दैट्स इट, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो और भटकते रहो, मिलता हूँ।
सो चेहरा देख के आपने पहचान ही लिया होगा, आई एम ऑन अ राइड राइट नाउ। अभी जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं कहाँ हूँ, बट जो लोग नहीं फॉलो करते, जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं, आ जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नो ऑलरेडी वेर आई एम। राइड शुरू हो चुकी है, काफ़ी लंबी राइड है मेरे लिए, तो काफ़ी लंबी राइड है। और इंस्टाग्राम पे हो तो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता मैं कहाँ आया हूँ, सो डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, वहाँ पे स्टोरीज चेक कर लो, हाईलाइट्स चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। राइड का वीडियो मुंबई टू दिस प्लेस, उसका वीडियो नेक्स्ट आएगा। तो सॉरी थोड़ा लेट हो गया इस बार वीडियो अपलोड करने में, बट थोड़ा ऑक्यूपाइड था यू नो लाइफ में टू प्लान दिस राइड। यस एंड दिस इज टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो या होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। मजा आ रहा है। Sunshine in the night, you know what they say, life's about today, if you wanna be someone, you don't have to wait, you just have to try.